Last rule of the rule book. If you do not read this rule book, I'm looking for this really good-looking brother with corners. This actually might get a chest. Half-time. You want to prove once for all that I'm better than you? Had we. But when you're in the field, nobody hears you. No class knows who this. I was born with this gift. Today is our concept. One man, one time. Winner. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें, इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलिस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोंडन रोबोट्स नजर आए थे, और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरिस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेन्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रेटिस्ट ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें, इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलिस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोंडन रोबोट्स नजर आए थे, और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरिस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन,
ऑरलैंड जेन्स, लियोंड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रॉबर्ट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोंड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रॉबर्ट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोंड
रॉबर्ट्स जेम्स वेरेन नजर आए थे, एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने, और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002, और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश, मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलिस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोंडन रोबोट्स नजर आए थे, और जेम्स वेरेर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरिस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स जेम्स वेरेन नजर आए थे, एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने, और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002, और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश, मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलिस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोंडन रॉबर्ट्स नजर आए थे, और जेम्स वेरेर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरिस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स जेम्स वेरेन
नजर आए थे। रेटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। रेटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे।
रेटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश, मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDB पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश, मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDB पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे
लेटेस्ट ब्राउजर विल फेनकॉम। म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेनकॉम। म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल
फिनकॉम। म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फिनकॉम। म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स। डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फिनकॉम।
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century Fox ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century Studio और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिस्ट ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century Fox ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century Studio और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिस्ट ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेन्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे लेटेस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग, फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन, जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर, विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग, फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन, जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर, विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और इलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग, फिल्मेंस्ट प्रमोस्ट वी ब्रॉन, जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर, विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग, फिल्मेंस्ट प्रमोस्ट वी ब्रॉन, जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्प्रेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रिटिश ब्राउजर, विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th सेंचुरियन स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रेटिस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टोमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिन्स एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलिवर्ड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लरेस्ट स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोन्स्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे रेटिस्ट ब्राउजर विल फेन कॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटर्न किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन, जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रोबोट्स, जेम्स वेरन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम,
म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी ड्रीम लाइन। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 58 मिनट लेंथ रखा गया है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और मूवी को रोटन टमेटो रेटिंग मिली थी 42%। इस मूवी को गूगल यूजर ने 77% लाइक भी किए थे। बता दें इस मूवी को डायरेक्ट किए थे क्रेलस स्टोन 3 और इस मूवी को प्रोडक्शन किए थे डैलिंस एंड स्ट्रोन वेलिंग फिल्मेंस्ट टोमोस्ट वी ब्रॉन जोडी ग्रेट्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century स्टूडियो और सिनेटोग्राफी दिए थे सेन हॉर्बेंस्ट। इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो निक किमोन नजर आए थे, जू सेलेडिना और ओलोड जेम्स लोडन रोबोट्स नजर आए थे और जेम्स वेरर और एलर पोर्ट्स जैसे कई स्टार कास्ट नजर आए थे। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। ड्रीम लाइन जो कि 2002 में रिलीज हुई एक अमेरिकाई कमिंग ऑफ एज टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे क्लेरेंस स्टोन 3। इस मूवी को सिनेटोग्राफी दिए थे इंस्पायर्ड द साउथेंस डेक्स्ट हाई स्कूल ड्रीम लाइन जो कि मूवी को रिटेन किए थे टीना ग्रोस्ट और क्रिस्ट एंड सोवन स्पेस्ट। इस मूवी के स्टारिंग में निक कोनोन, जू सेलेड्रेन, ऑरलैंड जेन्स, लियोन्ड रॉबर्ट्स, जेम्स वेरेन नजर आए थे। एडिटिंग किए थे ब्रिटिश ब्राउजर विल फेनकॉम, म्यूजिक दिए थे जॉन पॉवेल और प्रोडक्शन कंपोज किए थे फॉक्स 2000 पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20th Century फॉक्स ने और मूवी को रिलीज किया गया था 13 दिसंबर 2002 और मूवी की रनिंग टाइम थी 120 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज थी इंग्लिश। मूवी का बजट रखा गया था 20 मिलियन और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 57.6 मिलियन की काफ़ी अच्छी कमाई की थी और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। तो अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।